चैप्टर 8 हम शुरू कर रहे हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो माना। और भाई पहले ये तो पता लगना चाहिए कि करते क्यों हैं। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, खर्चा होता है, बहुत ज्यादा एटीपी खर्च होती है, फिर क्यों करते हैं। हमें ये भी मालूम है कि एक पर्टिकुलर टाइम आने पर होगा, इसका जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं, ढेर सारी एनर्जी इसमें वेस्ट होनी है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ये वाली बात हमको यहाँ पे जाननी होगी। अधिकतर बच्चे आप में से इसका आंसर जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के पीछे रीजन क्या है। आप लोग कहते हैं कि भाई कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज चाहिए, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। यस सर। अगर अपनी स्पीसीज को हमें बनाए रखना है, हमको एग्जिस्ट करना है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना होगा, तो हम अपना सपने जैसा कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं। चलिए बात मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होनी चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि हजारों लाखों स्पीसीज हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं, अगर आपको बाहर खड़ा कर दिया जाए ढेर सारे इंसानों जानवरों के बीच में, तो आप साफ पहचान लोगे कि आदमी कौन है और जानवर कौन है, कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है। आदमी और औरत खड़े हो, क्या वो दोनों एक ही स्पीसीज है? यस और नो? सर अगर ह्यूमन देखा जाए तो यस, और अगर वैसे देखा जाए तो नो, यस यस, वो ह्यूमन है, वो फीमेल है, वो मेल है, स्पीसीज एक ही है। आप साफ कर दो भैया, तुम एक स्पीसीज क्यों? उनमें आपस में इनब्रीडिंग कराई जा सकती है, रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है, लेकिन एक तरफ आदमी खड़ा हो, एक तरफ नागिन खड़ी हो, तो आप कह दोगे ना कि आप दोनों अलग-अलग स्पीसीज है, आपका ब्याह नहीं हो सकता। ये कोई यहाँ पे नगीना पिक्चर नहीं चल रही ऋषि कपूर श्रीदेवी की, कि जहां एक इंसान नागिन से शादी कर ले। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि ये डिफरेंस है, एक ही स्पीसीज के आपस में कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, तो फिर ये स्पीसीज पहचाने कैसे? भगवान ने ऐसा क्या किया कि सेम स्पीसीज बनी? तो भैया सेम स्पीसीज बनी होगी तो उनके अंदर जो फ्रेमवर्क होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, वो सेम होगी, तभी तो स्पीसीज सेम बनी। और जो ब्लूप्रिंट है, जो सेम है, जब ब्लूप्रिंट सेम है तो इंफॉर्मेशन सेम है। वो ब्लूप्रिंट क्या है? वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब जब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो एग्जैक्ट सेम बनाएगा या डिफरेंट बनाएगा? सेम उसे सेम सेम होगी, तभी उसकी आगे जाके उसी की जाति के बच्चे पैदा होंगे। आपने हमेशा इंसानों में इंसान पैदा होते हुए देखे हैं, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उस सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला ने कुतिया को जन्म दे दिया, चूहिया को जन्म दे दिया, या 3-4 गधों को जन्म दे दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी उसके अंदर डीएनए की ट्रांसफर होकर आई होती है दोनों के दोनों पेरेंट्स से, और उस पेरेंट्स से वो बेबी क्रिएट। तो एग्जैक्ट कॉपी बन के आई, तो डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी होना बहुत जरूरी है। और जब डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी होगा तो इंफॉर्मेशन भी एग्जैक्ट जाएगी। जो डीएनए कॉपी होती है, डीएनए कॉपी एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जाएगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जाएगी तो डीएनए से प्रोटीन बनेगी, और एग्जैक्ट प्रोटीन बनेगी जैसे पेरेंट जैसी थी। अगर इंफॉर्मेशन में कहीं पर गलती हुई,
तो जो बनने वाली प्रोटीन है वो गलत बनेगी। सपोज करो मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं और मैंने आपसे कहा कि भाई वो 10वें वाले रूम में जा और वहां पे जाके ये जो वो बंदा बैठा हुआ है उससे ये कह दे कि भैया एक कप चाय बना लाओ फीकी। आप गए रास्ते में, आपने भूल गए थे फीकी बनानी है या मीठी, एक शब्द भूले बस। आप वहां पे गए और आपने कहा भैया एक कप चाय बना लाओ बहुत ही मीठी, तो इंफॉर्मेशन में जरा सा बदलाव हुआ तो वहां पे वो चाय बदल गई। और जो बदल के मेरे पास जब आएगी तो मैं उसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं शुगर का मरीज हूं, क्यों पीऊं मीठी चाय, बढ़ना थोड़ा ही है। आप समझ रहे हो ना इंफॉर्मेशन चेंज होने से कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती है। यस सर। तो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन लाखों करोड़ों चली जा रही है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों कान यहाँ पे फिट करने हैं। अगर वो एक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई कि दोनों कान यहाँ पे फिट करने हैं तो बस आप ऐसे करके हिलाते रहो फिर तो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होनी जरूरी है, वो डीएनए कॉपिंग है। आज समझ में आ गई आपको मेरी? यस सर। तो वही तो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है, मैंने आपको इसमें ये बताया और मुझे मालूम है कि आपको सब समझ में आ गया।